हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोकोनट कुकीज़ बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे बटर। तो ये बटर जो है 85 ग्राम के करीब है, इसे हमने फ्रिज से निकाल करके रख दिया था, तो ये अभी रूम टेम्परेचर पर है। इसे हम मैश कर लेंगे, तो हैंड मिक्सर का ही यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी। तो ये नॉर्मल चीनी हमने मिक्सी में चला लिया था, तो ये 3/4 कप है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतना से मीठा परफेक्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाइएगा और एक ही डायरेक्शन में मिलाइएगा। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये क्रीम जैसा हो गया है, यानी बटर क्रीम जैसा हो गया है, और ये बहुत ही हल्का बैटर बन गया है। तो इस तरीके का होना ज़रूरी है, तभी आपकी कुकीज़ बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप कोकोनट पाउडर, यानी डेसिकेटेड कोकोनट, और इसी में से हमने थोड़ा सा निकाल लिया है जिसकी हम कोटिंग करेंगे। और ये 1 कप मैदा लिया है हमने, इसे छान लेंगे। तो ये छान लिया हमने, और 1 पिंच हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि बटर भी सॉल्टेड है तो बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं। और अब हम डालेंगे इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही डालिएगा, बेकिंग सोडा नहीं। तो ये आधा टीस्पून हमने डाला है, और ये हैंड मिक्सर से ही पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद इसे हाथ से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बाइंडिंग हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दूध की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप दूध लिया है, ये पूरा यूज़ नहीं होगा, अभी मैं देखती हूँ। तो देखिए, ये हमने 2 टेबल स्पून के करीब अभी डाला है, बस इतना ही काफ़ी है। इसी से ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा, यानी हमें आटा की तरह नहीं गूंथना है पंच लगा लगा करके, बस इसे इकट्ठा करना है। तो देख सकते हैं ये इकट्ठा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे डो को इकट्ठा कर लेंगे और इसकी कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो देखें, ये इकट्ठा हो गया है, और यहाँ पर बेक करने के लिए हमने प्लेट लिया है, इसमें हमने बेकिंग पेपर डाला है। अगर ये ना हो तो फिर थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा प्लेट को। और यहाँ पर मैं नींबू की साइज़ की लोई ले रही हूँ कुकीज़ बनाने के लिए। इसे अच्छे से गोल करके हल्का सा हम इसे चिपटा करेंगे, क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़े से फ्लैट हो जाएंगे। और जो हमने कोकोनट पाउडर निकाला था, इसमें हम एक ही तरफ से इसे कोट करेंगे। तो नीचे की तरफ से इसे कोट करें, और जो कोट की हुई साइज है उसको हम ऊपर से रखेंगे। और इसी तरीके से मैं एक और बना करके आपको दिखा दे रही हूँ। आप एक साइज़ का बनाना चाहें तो कोई भी मेजरमेंट भी ले सकते हैं, यानी कोई स्पून वगैरह भी ले सकते हैं, जिससे एक साइज़ की बनेगी। और वैसे भी अंदाज से बनाएंगे तो ये एक साइज़ की बन ही जाएगी। और थोड़े से हम इसे हटा हटा करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने सारे बना करके तैयार कर लिया है। और मैं इसे चलती हूँ बेक करने की तरफ। तो यहाँ पर प्री हीट करने के लिए हमने कढ़ाई रखा था, कढ़ाई में हमने नमक डाला हुआ था और स्टेन डाला हुआ था। तो ये मैं इसे रख देती हूँ और इसे कवर कर देती हूँ। कवर करके मैंने इसे पकाया है, 30 से 35 मिनट के लिए बेक किया है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो गई है। मैं इसे उतार लेती हूँ चूल्हे से और इसे कढ़ाई में ही रहने दूँगी। तो जब तक ये बिस्किट ठंडी हुई कढ़ाई में ही थी, तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा कुकीज़ बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और जो बाकी बचा हुआ डो था, उसे हमने अलग से बेक किया है। तो ये हमने थोड़े से इसे स्पेस इसका छोड़ा नहीं था, तो इसलिए इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन चलेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप देख सकते हैं हमारी कुकीज़। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, ज़रूर से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। तो मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।